हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड की फॉइल पर, जिसमें इन्होंने अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट करा के एटम्स के बारे में बताया था। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एटम का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, तो उसके बारे में बताया था। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स प्लेस नहीं बताई थी। तो बोहर का जो मॉडल है, बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर करते हुए एक मॉडल दिया था। इसमें इन्होंने बताया कि एटम, ये रदरफोर्ड में भी बता दिया गया था कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको बोलते हैं, जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का बना हुआ होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया ऑर्बिट का। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था, जो रदरफोर्ड के मॉडल में भी बता दिया गया था, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, मतलब कक्ष, या फिर हम इनको शेल भी बोलते हैं। शेल मतलब कोश, या इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। मतलब ऊर्जा स्तर। तो ये जो ऑर्बिट है इनको नाम दिया गया के एल एम एंड एन। के एल एम एन का नाम दिया गया। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो के एल एम एन है, ये ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल इनको बोलते हैं। इन के एल एम एन को नंबरिंग भी दी गई, 1, 2, 3, 4, मतलब हम इनको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे सभी लोगों को पता है कि घर होते हैं तो घर के अंदर होते हैं रूम। किसी के यहाँ एक रूम का घर है, किसी के यहाँ दो घर का रूम है, किसी के यहाँ तीन घर का रूम है। तो इसी तरीके से ये जो शेल होती हैं, इन शेल के अंदर भी सब शेल होती हैं। सब शेल जिनको हम ऑर्बिटल या फिर सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा एस पी डी एन एफ का, इनको ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल या फिर सब शेल, या फिर हम इनको सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। लेवल मतलब ये कक्षक, उपकोश और उप ऊर्जा स्तर। तो ये उप ऊर्जा स्तर या फिर कक्षक उपकोश इनको बोलते हैं SPDF। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो के एलिमेंट शेल हैं, के एलिमेंट के आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, इनको 1, 2, 3, 4 से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे जो शेल में जो नंबर दिया हुआ है वही इनके पास ऑर्बिटल होगा। मतलब के शेल है तो के शेल का मतलब इसके पास 1 ऑर्बिटल है। एल शेल है, एल शेल का मतलब इसके पास 2 ऑर्बिटल है। एम के पास 3 ऑर्बिटल है, एन के पास 4 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे अच्छा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं शेल में मूव करते रहते हैं। जब इन्हीं शेल में मूव करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो रिलीज नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो हर शेल के अंदर अलग अलग सब शेल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया मैंने कि के शेल में एक सब शेल है, एक सब शेल मतलब ऑर्बिटल है, तो इसके पास एस ऑर्बिटल है। एल शेल होती है, इसके पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि एस एंड पी।
एम शेल के पास थ्री ऑर्बिटल होते हैं एस पी एंड डी, इसके पास फोर ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी एंड एफ। अच्छा, ये जो सब एस पी डी एफ हैं इनके इलेक्ट्रॉन की फिक्स नंबर है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल जो है इसमें मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास एक सब शेल होती है। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तीन सब शेल होती हैं, इसमें मैक्सिमम दो भर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम तीन भर सकते हैं, सिक्स भर सकते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मतलब टेन से कम तो भर सकते हैं लेकिन टेन से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। ये फिक्स है नंबर्स, इनको आपको याद रखना होगा कि एस में टू, पी में सिक्स, डी में टेन एंड एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स तक भरे जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास सेवन सब शेल होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सब में दो दो इलेक्ट्रॉन अगर हम भर देंगे तो ये हो जाएंगे 14। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके हिसाब से ये भी फिक्स हो गया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि के शेल है, के शेल के पास एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि एस ऑर्बिटल के शेल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल शेल है, एल शेल में दो सब शेल हैं एस एंड पी, तो एस एंड पी को दोनों को मिला के 2 + 6 हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एस पी डी तीनों हैं तो 2 + 6 + 10 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 + 6 + 10 + 14 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर्स फिक्स हो गए हैं कि यहाँ पे के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो जब फिक्स हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स रहती है, वो रिलीज नहीं होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से जब दूसरे शेल में मूव करता है, जंप करता है, तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब अगर अपनी ही शेल में मूव कर रहा है, अपनी ही ऑर्बिटल में घूम रहा है, शेल में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उसकी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। लेकिन जब एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तब उसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से बोहर का मॉडल में कोई खास कमी नहीं थी, बस इनके मॉडल में थोड़ी सी कमी ये थी जिसको मॉडिफाई किया था समरफील्ड ने। उन्होंने बोहर के मॉडल में ये बताया था कि जो ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर पाथ होते हैं, लेकिन समरफील्ड ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ऑर्बिट जो है सिर्फ सर्कुलर ही नहीं इलिप्टिकल होते हैं। मतलब जो पहला ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर रहता है और उसके बाद जो अदर होते हैं वो इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार होते हैं। और दूसरा, बोहर के मॉडल की एक कमी और थी कि बोहर का मॉडल जो है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स का स्पेक्ट्रम को शो नहीं करता है। तो ये बोहर के मॉडल की कमी थी, बाकी का बोहर का मॉडल ठीक था। और समर फील्ड मॉडिफिकेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको बोहर का मॉडल पढ़ना है। तो इसके जो मेन पॉइंट हैं वो और मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए वही यहाँ पे सारे पॉइंट्स में दिया हुआ है। जो मेन पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट। मतलब जिन पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन पाथ को हम ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी अवस्था कहते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जैसा कि अभी आपको बता चुकी हूँ कि जब अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, सो लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इट नाइदर इमिट और नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, हैंस दीज ऑर्बिट्स और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑर्बिट जो है इनको शेल या फिर एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनर्जी लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी
इनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं करते हैं जब अपने ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एनर्जी लेवल आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्बिट। मतलब आपको बता चुकी हूँ कि जो ऑर्बिट है उनको 1, 2, 3, 4 नंबरिंग से भी डिनोट करते हैं या फिर हम KLMN शेल के से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होती है, तो इनको हम बोलते हैं क्वांटा या फिर फोटोन। मतलब जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या एक शेल से दूसरे शेल में, तो उस एनर्जी के जो बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब पैकेट बोलते हैं, एनर्जी के पैकेट, उन पैकेट्स को बोलते हैं हम क्वांटा और फोटोन। तो ये मेन पॉइंट थे बोहर मॉडल के, और ये मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। पॉलीटेक्निक में मोस्ट ऑफ द टाइम ये मॉडल क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा मॉडल। थैंक यू।